गुड इवनिंग आज आपकी पहली क्लास है जिसमें हम लोग इंडियन फिलोसॉफी से अवगत होंगे भारतीय दर्शन विश्व के सभी दर्शनों में अगर देखा जाए तो एक प्रभावी दर्शन रहा है अगर पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा से इसकी तुलना की जाती है तो पाश्चात्य परंपरा से हम बहुत आगे हैं क्योंकि दर्शन परंपरा को हम भली भांति समझ नहीं पाते हैं इसलिए हम अपने दर्शन के प्रति एक नकारात्मक पक्ष रखते हैं कि भारतीय दर्शन जो है वह तार्किक नहीं है भारतीय दर्शन अबौद्धिक नहीं है ऐसी आध्यात्मिकता की बात की जाती है जो कि हमारी समझ से परे है ये सब मान्यताएं भारतीय दर्शन के लिए बड़ी ही एकांगी मान्यताएं हैं यदि भारतीय दर्शन परंपरा को भली भांति समझा जाए तो हम स्पष्ट तौर पर जान पाएंगे कि भारतीय दर्शन परंपरा बड़ी ही समृद्ध है पाश्चात्य परंपरा केवल भौतिक पक्ष को आधार बनाकर अपने पक्ष को ही बल देती है अपने पक्ष को ही व्याख्या करती है लेकिन भारतीय दर्शन परंपरा न केवल भौतिकता को बल्कि आध्यात्मिकता का भी समावेश करता है भौतिकता एक आंशिक पक्ष भर है इस आध्यात्मिकता में भौतिकता की उपेक्षा नहीं की गई है बल्कि इस आध्यात्मिकता में भौतिकता पर एक लगाम लगाई गई है क्योंकि भौतिकता जितनी भी है वह मनुष्य को एक यांत्रिकता में धकेल देती है और यांत्रिकता मनुष्य को मशीन बना देती है इस बात को या पाश्चात्य विचारधारा नहीं समझ पाती है और उनकी सभी व्याख्याएं इस भौतिकता के गिर्द चलती रहती हैं जबकि भारतीय परिप्रेक्ष भौतिकता और इस यांत्रिकता पर एक लगाम लगाता है और इस पक्ष के आधार पर भारतीयता यदि दर्शन की व्याख्या करती है तो समृद्ध होती जाती है इस बिंदु को हम समझेंगे जरा जब पाश्चात्य दृष्टिकोण से बातचीत की जाती है तो हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं फिलोसॉफी जब भारतीय पर की बात कही जाती है तो शब्द इस्तेमाल करते हैं दर्शन तो क्या इन शब्दों में कोई मूलभूत अंतर है क्या इन्हें एक ही संदर्भ में लिया जाए क्या ये भिन्न भिन्न संदर्भों को व्याख्यात करते हैं इस पक्ष को भी जानना होगा जब फिलोसफी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो अंग्रेजी में शब्द का ट्रांसलेशन हुआ लव ऑफ नॉलेज ज्ञान के प्रति अनुराग रखना ज्ञान के प्रति प्रेम रखना इसका मतलब बिल्कुल नहीं था कि भारतीय परिप्रेक्ष जो है वह ज्ञान के प्रति अनुराग नहीं रखता है लेकिन जब पाश्चात दृष्टिकोण के ज्ञान की चर्चा की जाती है तो उनके लिए दर्शन को जानने का आधार जो है या तो उनका अनुभव होता है या उनका बौद्धिक पक्ष होता है यदि उनकी इंद्रियां सबल हैं तब तो अनुभव को आधार बनाते हुए ज्ञान की व्याख्या करने लगते हैं या फिर वह बौद्धिकता या तार्किकता को आधार बनाकर अपने पक्ष को व्याख्यात करते हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारतीय दर्शन अनुभव पक्ष की या बुद्धि पक्ष की उपेक्षा करता है बिल्कुल भी नहीं है भारतीय दर्शन पद्धति जो है वह अनुभव और बुद्धि को साथ लेकर चलती है और इस सीमा का भी अतिक्रमण कर जाती है और इससे अधिक व्याख्या करती है जर हम समझने का प्रयास करेंगे इस बिंदु को जैसे मैंने शब्द इस्तेमाल किया दर्शन दर्शन जो शब्द है वो बना है दृश्य धातु से धातु रूप जैसे पाना पा धातु से खाना खा धातु से ऐसी दर्शन शब्द बना है दृश धातु से द्रस का मतलब हुआ यहां देखने से लेकिन देखना और आंखों का देखना अगर इसको सरलीकरण किया जाए तो देखने का अभिप्राय लिया जाता है आंखों के देखने से लेकिन भारतीय इस देखने को इंद्री देखने को का भर तक नहीं रखती है जो हमारी दृश्य इंद्री है वहीं तक सीमित नहीं रखती है मान लें कि यदि हम इस क्लासरूम में हैं इस क्लासरूम की हम बहुत सारी वस्तुएं देख रहे हैं जैसे मैंने बोर्ड देखा पंखे को देखा इस पोडियम को देखा कुर्सी को देखा आपने देखा और कुछ समय बाद आप क्लासरूम से बाहर चले गए तो किसी ने पूछा कि क्लासरूम क्या है क्लासरूम कैसा होता है तो समय तो नहीं देख रहे होते हो ना क्लासरूम के बारे में बताने लगते हो यानी जब हम किसी वस्तु को जान लिए हैं यदि वो हमें समझ में आ गया है तो फिर कांटेक्ट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है वो कांटेक्ट ज्ञान का एक आधार भर रह जाता है तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो दर्शन शब्द है उसका शाब कर सिर्फ देखने से नहीं है भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो दर्शन शब्द है उसका मीनिंग लिया जाता है समझने से समझना है हमें जानना है तो दर्शन का अभिप्राय जानने से और समझने से है तो अपने आप ही शब्द चला आगे बढ़ा कि हमें क्या जानना है और कैसे जानना है भाई जानना है क्या जानना है यही मैंने आपको समझाया कि जब भी हम कोई विषय पढ़ते हैं तो विषय के दो मूलभूत प्रश्न होते हैं कि सर क्या पढ़ें और सर कैसे पढ़ें तो दर्शन भी एक विषय है तो स्वाभाविक तौर पर दर्शन में भी दो सवाल उठ जाते हैं क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें? जब भी किसी विषय के क्या को देखते हैं तो क्या जो है किसी विषय के लिए उसका तत्व तो है यानी उसका वह है एलिमेंट है यदि उस तत्व को जानना है तो अपने आप बना कैसे तो जानना है तो ज्ञान चाहिए ना तो हमें जानना और समझना है क्या जानना और क्या समझना है अब ये मूलभूत प्रश्न बन गया इंडियन फिलोसॉफी का अगर हमें समझना है तो क्या समझना है अगर समझना है तो कैसे समझना है इस बिंदु को लेकर भारतीय दर्शन ने अपना केंद्र ना आत्मा को बनाया बोले आत्मा को जानना है क्या जानना है आत्मा को जानना है किससे जानना है आत्मा से जानना है तो इंडियन फिलोसॉफी ने अपना कोर बनाना शुरू किया बोले जानना क्या है बोले आत्म तत्व को जानना है जब केंद्र में आत्म तत्व को रख दिया हमने तो शब्द बन गया आध्यात्मिक शब्द को देखें जरा आध्यात्मिक तो आध्यात्मिक शब्द को जब हम तोड़ेंगे ना ये शब्द सद्ध दो शब्दों से मिलकर बना है अधिधन आत्मा यानी जब केंद्र में आत्म तत्व हो अधि प्रीफिक्स है ठीक ना अध्यस्त हो जाना बैठ जाना किसी निश्चित स्थान पर बैठ जाना क्यों बैठ गए इसी स्थान पर बैठ क्यों बैठ गए निश्चित स्थान पर किसी निश्चित स्थान पर बैठकर हम किसी चीज को रेगुलेट कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं समझ सकते हैं जैसे कि आप मान लो कार ड्राइव करते हो ठीक ना उस जमाने में कार तो नहीं थी चलो रथ चला रहे होते थे लोग तो किसी निश्चित स्थान पर बैठ गए तो आप बैठ कर उसको कंट्रोल कर रहे होते हो ब्रेक लगाया जो कुछ किया कंट्रोल उस पर नियमन और नियंत्रण करते हो तो भारत में जब केंद्र बिंदु चुना गया तो आत्मा को चुना गया यानी भारतीय विचारधारा का केंद्र बिंदु तत्व है इस केंद्र बिंदु आत्म तत्व को मानने का भारतीय विचारधारा को आध्यात्मिक कहा जाता है जब भी इस आत्म तत्व को जानना है अंग्रेजी में कहेंगे सेल्फ सो को तो स्वयं को जानने के लिए स्वयं तो सहायता लेनी पड़ेगी अब मान लो इसे खुद को जानना है तो इसको मैं तो नहीं बता सकता हूं ना तो ये पूरी अंतर यात्रा खुद से ही करनी पड़ेगी यानी तत्व को जानना है और स्वयं से ही जानना है इसलिए इंडियन फिलोसॉफी का जो कोर है उसे आध्यात्मिक कहा जाता है लेकिन कुछ लोग इसे स्वीकार करते नहीं हैं और भी दार्शनिक मान्यताएं हैं जैसे पाश्चात्य तो ने कहा कि हम किसी को जानेंगे ना तो हमारे जानने का आधार भौतिकता होगी जैसे इंडियन फिलोसॉफी ने टर्म रखा आत्मा को मानने से सब अध्यात्मवाद ऐसी वेस्टर्न फिलोसॉफी ने अपना केंद्र जो है ना वो बनाया भौतिकता तो अपने आप ही शब्द ना बनना था भौतिकतावाद अपने आप शब्दों को पकड़ सकते हो अब जब ये वाद शब्द लग गया ना वाद का मतलब विचारधारा एक ऐसी विचारधारा जो आत्मा को केंद्र में रखकर समस्त चर्चाएं करता हो सभी चीजों की व्याख्या कर दो से अध्यात्मवाद कहते हैं भौतिकतावाद एक ऐसी विचारधारा जो भौतिकता को केंद्र में रखकर समस्त परिचर्चाएं करता हो भौतिकतावाद ऐसे मैंने शब्द रखा मार्क्सवाद जो मार्क्स की विचारधारा को केंद्र में रखकर सभी परिचर्चाएं करता हो उसे मार्क्सवाद कहा गांधीवाद जिसको केंद्र में रखकर गांधी की विचारधारा केंद्र में रखकर पर चर्चा की जाए तो उसे गांधीवाद कहा ऐसे ही जो केंद्र में रखने की बात आई जब ना तो किसी ने भौतिकता को केंद्र में रख लिया और विचार बन गई भौतिकतावाद जिसने केंद्र में आत्म तत्व को रख लिया तो विचारधारा बन गई अध्यात्मवाद लेकिन कुछ लोग इस बात से भी संतुष्ट नहीं हुए बोले इन दोनों की वजह से तो ईश्वर की अवहेल ना गई। बोले समस्त पर चर्चाएं करो ईश्वर की चर्चा ही ना हो तो जिसने ईश्वर को केंद्र में रखकर समस्त पर चर्चा की तो उसे कहा गया ईश्वरवाद्वर इसुर रख लिया यानी कहने का मतलब है केंद्र को रिप्लेस कर दिया स्थानांतरित किया जो केंद्र का शब्द था उसी की वजह से पूरा का पूरा वाद बन गया भौतिकतावाद अध्यात्मवाद मार्क्सवाद गांधीवाद जब हम इस वाद का इस्तेमाल करते ना तो अपने आप ही समझो कि इसके द्वारा ही समस्त व्याख्या की जाएगी ठीक ना यानी गांधीन थॉट इज एब्सोल्यूट थॉट था। मार्क्स थॉट इज एब्सोल्यूट थॉट सोल इज द एब्सोल्यूट थॉट यानी सब कुछ वही उसी को केंद्र बिंदु रखकर पर चर्चा की जाएगी जैसे मैंने कहा एटोमिज्म अणुवाद तो हर चीज की व्याख्या अणु के माध्यम से ही की जाएगी तो जब केंद्र में जो शब्द रख दिया ना जब उसी से ही पूरी चर्चा हो तो वह बन जाती है विचारधारा कितना पॉइंट तो भारतीय दर्शन ने अपना केंद्र बिंदु तत्व को बनाया तो अभी फिलहाल जो आज की परिचर्चा का विषय है दर्शन, तो हम इसी को रखकर शुरू करते हैं। तो तो गया चलो अध्यात्म मैंने शब्द इस्तेमाल कर लिया भारतीय दर्शन अध्यात्मवादी है ये आ कहां से गया अध्यात्मवाद शब्द कौन लेकर आया शब्द को तो इसको जानना पड़ेगा तो मैंने कहा किसी चीज को जानना है तो ज्ञान चाहिए ना तो भारतीय दर्शन परंपरा का जो ज्ञान का आधार है वह है वेद ठीक ना देखें जरा तो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो आधार है ज्ञान का जो आधार है वह है वेद देखें जरा कैसे समझा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार वेद है अगर वेद का व्युत्पत्ति की जाए या कैसे बना यह शब्द तो वेद शब्द जो है वो विद से बना है ऐसे विद्वान तो विद प्रीफिक्स लग गया इसमें एक तरीके से विद धातु बन गई ठीक ना तो वेद शब्द जो है विद धातु से बना हुआ है शब्द बना सकते हो धातु बना सकते हो जानना भी बना सकते हो विद्वान बना सकते हो तो विद से बना हुआ शब्द है वेद।, और वेद का मतलब होता है जानना क्लियर लेकिन जब वेदों पर सोचते हैं तो जो सबसे प्राचीन वेद है वो तो हमारा ऋग्वेद है।, है यह प्राकृतिक देवताओं के प्रति स्तुति परक मंत्रों का एक संकलन है प्रारंभिक स्थिति में क्या था कि जो भी प्रकृति के तत्व थे उनको एक देवता का रूप दे दिया गया पृथ्वी देवी अग्नि देवता जल देवता वायु देवता तो जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हमारे मंत्र खंड समर्पित कर दिए क्यों समर्पित कर दिए? क्यों रिचाए दी गई क्योंकि इंसान की पहले जो शुरुआत है उसकी रिक्वायरमेंट थी शुरुआत में भौतिक सुखों की तो जो ऋचाओं में बद्ध ज्ञान था देवताओं की स्तुतियां थी वह फिलहाल जो मांग थी वह भौतिक सुख थे आप सबने पढ़ भी रखा होगा ऋग्वेद के जो मंत्र खंड हैं, वह भौतिक सुखों की मांग के लिए थे जैसे आजकल भी देवताओं की प्रार्थना करते हैं ना प्रभु लॉटरी लग जाए परीक्षा में पास हो जाए अच्छी सी शादी हो जाए ठीक ना अरे भाई बड़ा कष्ट है जीवन में कैसे तो कटे प्रभु घर वालों की रोज रोज सुनते हैं, आईएस बन जाए कैसे ना कैसे कोई तो एग्जाम निकल जाए तो देवता की रोज रोज अगरबत्ती चढ़ा के पूजा करते हो जब हम पूजा करते हैं ना तो उससे कुछ मांग रहे होते हैं ऐसी ऋग्वैदिक पीरियड में भी देवताओं की स्तुतियां थी लेकिन यदि शाब्दिक अर्थ को लिया जाए तो ज्ञान को बता रहा है लेकिन वेद हो क्या रहे हैं ये तो ये काम करने लगे यानी वैदिक मंत्र जो थे स्तुति परक जो मंत्र बनाए गए थे उनका प्रयोग तो कर्मकांड के लिए होने लगा अब इंसान भौतिक सुखों की मांग के लिए मंत्रों का प्रयोग कर रहा था अब यह तो बिल्कुल ही बदल गया जाना चाहिए इधर और चला गया रिचुअल्स की, की तरफ यानी वेदों का जो मूल उद्देश्य था वो तो बदल गया शाब्दिक अर्थ तो कह रहा था ज्ञान की तरफ चलो लेकिन ये तो कहीं और चला गया तो अगर किसी के मूल में सही चीज हो तो एक दिन जब तक सही आ नहीं जाएगा तब तक वो डेवलप होता रहेगा एक प्रैक्टिकल पॉइंट पे समझो नहीं तो सुहली से भी समझ सकते वेदों का मूल मंतव्य ज्ञान था लेकिन मूल मंतव्य को भूलकर वेदों का कुछ लोगों ने विचलन कर दिया उसे एक तरीके से दिग्भ्रमित कर दिया और वैदिक मंत्रों का प्रयोग कर्म कांड के लिए करने लगे आप समझो जरा एक से एग्जाम्पल से समझते हैं कर्मकांड का क्या मतलब हो रहा है जैसे कि मान लो आपने एक लॉटरी का टिकट खरीदा ठीक ना दस लाख की लॉटरी का टिकट खरीदा पता लगा एक महीने बाद ड्रॉ ओपिन होना है खुलना है उसे तो जिस दिन ख़रीद के लाया उसी दिन से इच्छाएं जागृत हो गई कि भाई भाग्य के माध्यम से ही मिलेगा तो भाग कैसे है? चलो ईश्वर के पास चलते हैं वही सर्वशक्तिशाली है वही कुछ कर सकता है शुरू हो गए सुबह से शाम तक जब मौका मिले तब ईश्वर भजन लाटरी लग जाए लाटरी लग जाए लाटरी लग जाए ठीक ना मंदिर जाना शुरू हो गए और भगवान खुश हो गया आपके कर्म कांड से लाटरी लग गई दस लाख की गवर्नमेंट ने इसमें टैक्स काट के बाकी सब दे दिया आपको चलो लाटरी पे भी गवर्नमेंट काट लेती है ध्यान रखो ठीक ना चलो मान लो आठ लाख या नौ लाख रुपए मिल गए काट पीट के तो क्या जो कर्मकांड किया उसका जो फल मिला क्या वो हमेशा चलने वाला था क्या कुछ समय बाद तो वो फल नष्ट हो ही जाना था ना तो इंसान ने सोचा कि यदि हम वैदिक मंत्रों का प्रयोग कर्म कांड के लिए कर रहे हैं तो इन कर्म कांडों का जो फल मिल रहा है वह फल तो कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा ऋग्वेद में कह भी दिया गया छीर्णम पुण्य मृत्यु ये पुण्य खत्म हो जाएंगे ना फिर से मृत्यु लोग भेज दिए जाओगे मृत्यु लोग का मतलब है इन दुखों में फिर से आ जाओगे इंसान की जो मूल प्रवृत्ति है इन दुखों से छुटकारा पाने की भाई कैसे भी कट जाए सरसाम को बुलाते हैं, जैसे तैसे कट जाए क्लास दुख तो खत्म हो कैसे ना कैसे खत्म हो जाए अब दुख कैसे कटे जब तक ज्ञान नहीं हो जाएगा ना यूपीएससी का सही से ज्ञान नहीं हो जाएगा ना तब तक तो पढ़ना ही पड़ेगा सुबह आना पड़ सकता है शाम को आना पड़ सकता है देर में जाना पड़ सकता है जब तक ज्ञान नहीं होगा ना तब तक दुख की यात्रा करनी ही पड़ेगी ये बात है तो अब इंसान को समझ में आ रहा था कर्म कांड तो वास्तविकता नहीं खूब पूजा की अमुक देवता की कि पास करा देना पास करना पढ़े तो नहीं रिजल्ट आया हे प्रभु मैंने इतना भजन पूजन किया लेकिन फिर भी फेल करा दिया तो समझ में आ गया ना ये कर्म कांड से कुछ नहीं होने वाला था पढ़ नहीं पड़ेगा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा तो जो वेदों की कर्म कांडी व्याख्या कर रहे थे उन्हें भी समझ में आने लगा कुछ गड़बड़ हो रही है ह्यूमन परमानेंट थिंग बोले इससे जो मिल रहा है वो कुछ दिनों के लिए मिल रहा है कुछ समय के लिए मिल रहा है और ये तो वास्तविकता है ही नहीं तो फिर से उसने वेदों का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू किया वेदों को समझना शुरू किया और जो ये पूरा ज्ञान भरा पड़ा था पूरा का पूरा पोइट्रिक फॉर्म में था कविता के रूप में था तो किसी कविता को समझना वैसे आसान नहीं होता है जब तक कि वो रचना करने वाला समझाना दे कि हमने किस रे में लिखा है बेचारा पता नहीं किसका दुख था उसने कविता में उतार दिया बहुत कोशिश की आखिर क्यों बात किस बात पे दुखी है समझ में नहीं आ पाएगा जब तक बताए ना किस बात से दुखी था वो जगजीत सिंह गजल है ना जाने वो कौन सा देश कहाँ तुम चले गए अब वो गजल जो है या जो उनका गीत है अगर उसका रेफरेंस पता नहीं है तो उस गजल का या उस गीत का कोई मतलब समझ में नहीं आ पाएगा जगजीत सिंह का जब बेटा मर गया तब तो उन्होंने वो गीत बनाया गजल बनाई तो निश्चित तौर पर रेफरेंस जानना पड़ता है तब वो बात क्लियर हो पाती है आप इस आते हैं पॉइंट पर कि वेद जो था जो मांग कर रहा था ज्ञान की लेकिन कर्मकांड की तरफ घूम गया, जबकि इसे वापस ज्ञान पर ही इस वेद की सही मायने में होगी, तो का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा तो जो पोइटिक फॉर्म था मंत्र था कम से उसे एक्सप्लेन तो किया जाए तब तो क्लियरिटी होगी मैंने पोइटिक फॉर्म में कह दिया यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्री कि लोचनाभ्याम विहीन से दर्पणा किम कर बच्चों ने पूछा सर घा तो दी आपने कविता कर दो तो कुछ ज्यादा समझ में आ जाएगा ना तो मैंने कहा जिसके पास प्रज्ञा नहीं है समझ नहीं है उसके लिए शास्त्र वेद पुराण गीता कुरान बाइबल थ साहब कुछ भी नहीं कर सकते ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी के पास आंखें ना हो, और जाके दर्पण बार बार देखता हो तो अपने क्लियर कर दिया गया समझ होना जरूरी है तो अब जो पॉइंट मैंने संस्कृत में कहा जो बात संस्कृत में कही अब ज्यादा क्लियर हो गई जब मैंने एक्सप्लेन कर दी उस बात को तो वेद जो थे वो पोइट्रिक फॉर्म में थोड़े कम समझ में आ रहे थे लोगों को तो इसका एक बार पुनर्व्याख्या शुरू हुई तो जो वेद थे उनको जब पद से गद्य में लाया गया जिससे कि उनकी क्लियरिटी थोड़ी बढ़ सके दैट इज ब्राह्मण यहां ब्राह्मण का अभिप्राय किसी जाति से नहीं है ठीक ना जो मीनिंग यहां पर ज्ञान से है ना वही मीनिंग क्योंकि यही फॉर्म डेवलप हो रहा है भाई अगर बीज आम का है ना तो आम का ही तो पौधा बनेगा ना आम का ही पेड़ बनेगा और आम का ही फल आएगा यही समझ लो बिल्कुल तो ये था बस पोइट्री फॉर्म से प्रोज फॉर्म में आ गया पद से गद्य में आ गया तो गद्य फॉर्म में आया तो उसको कह दिया ब्राह्मण तो जो ब्राह्मण शब्द है यहां पर वो शब्द बना है ब्रह से का मतलब तो बढ़ना जिसमें बढ़ने की प्रवृत्ति हो वही ज्ञान है जैसे क्लास में आए ना क्लास शुरू पांच बज के तीस मिनट से आधे घंटे में कुछ ज्ञान बढ़ गया तो हो सकता है दो घंटे में ज्ञान बढ़ जाएगा तो अगर ज्ञान तो बढ़ेगा निश्चित तौर तो पर बढ़ेगा शरीर भले ही थक जाए दो घंटे बाद लेकिन ज्ञान जरूर बढ़ रहा होगा तय मानो तो जिसमें बढ़ने की टेंडेंसी होती है, nature, तो ये कैसी होती है सबकी सब ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो बढ़ रही है बड़ी अच्छी बात कही जाती है अपने आप व्यय कृत्यो नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम यानी विद्या एक ऐसी चीज है तो जो व्यय करने पर ही बढ़ती है छुपा लिया ना किसी को नहीं बताएंगे कि फ्लोसी मुझे समझ में आ गई समझ लो इसी दिन आप बंद हो गए क्लोज हो गए बहुत से बच्चे होते ना नोट छुपा के रख लिया नहीं बताएंगे हमें पूरा समझ में आया समझ लो उस दिन आपने अपना बंटाधार कर लिया आपने अपना विनाश करना शुरू कर दिया ज्ञान कभी बांटने से कम होता ही नहीं है कैसे भी कम नहीं हो सकता है तो ब्राह्मण जो शब्द है बढ़ने का सेंस यहां बता रहा है जो ज्ञान में रमा हो वह ब्राह्मण है तो शब्द भी ज्ञान की व्याख्या कर रहा है जब मैंने कोई बात आपको कविता के फॉर्म में कही फिर वही बात मैंने आपकी व्याख्या के फॉर्म में कह दी फिर आप जब घर गए और आपने सोचा सर की बात तो सही है कि नोट इकट्ठे कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम अच्छे से चीजों को समझ नहीं लेते हैं तो घर बैठ के सोच आना हाँ, बात तो कुछ ठीक है When knowledge convert in thinking mode, जब चिंतन शैली पर मनन शैली पर उतर आता है तो यह ज्ञान का और अधिक स्पष्ट रूप है ठीक ना तो ब्राह्मण जो थे आपने चिंतन शैली में या जो ज्ञान का फॉर्म जब चिंतन शैली पर आ गया तो उसको कहा गया अरण्यक अरण्य का मतलब होता है जंगल लिटरल टर्म तोड़ा ना तो गो टू फॉरेस्ट जंगल में चले जाओ जा जंगल में नहीं चले जाना है इसका मतलब है एकांत में चले जाना कि जो आपने पढ़ा है कि सम, कम से कम समझ सको कि क्या पढ़ा था क्या सुना था अब घर गए म्यूजिक भी बजाएंगे गाने भी सुनेंगे और पढ़ते भी जाएंगे अरे भाई तब तो आपने चिंतन किया ही नहीं ना तो निश्चित तौर पर पर जानो, जब तक ज्ञान चिंतन और मनन पर नहीं आता है तब तक आपको पता ही लगेगा आपने क्या जाना और क्या सीखा चीज वही चल रही ध्यान रखो ज्ञान ये भी है बस ये पद फॉर्म में था ये गद्य फॉर्म में आ गया और यही ज्ञान अब चिंतन पर आ घर जाके चिंतन किया मनन किया चिंतन और मनन एक प्रकार का ना समझ में आने वाली प्रक्रिया है बैठे चुपचाप से कोने में बैठ रहे हैं सोच रहे हैं साहब पता नहीं क्या सोच रहे हैं मूवी के बारे में सोच रहे हैं कल का कल का प्लान कर रहे हैं कुछ नहीं पता हो सकता है। क्लास में है पढ़ के उसका चिंतन मनन कर रहे हो इसलिए चिंतन को रहस्य भी कहा जाता है इसलिए अरण्यकों में रहस्यात्मक बातें भी दिखाई देते हैं वो आप हिस्ट्री में पढ़ रहे होते हो लेकिन हम लोग फलॉसफी में बात कर रहे हैं तो अरण्य का मतलब चिंतन और मनन से है चिंतन मनन किया बहुत कुछ बातें स्पष्ट हो गई लेकिन कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पाई तब नेक्स्ट डे क्या करोगे चलो टीचर के पास चलते हैं गुरु के पास चलते हैं वो क्लियर कर देगा कैसे कर देगा वो आपसे बातचीत करेगा संवाद करेगा चर्चा करेगा उदाहरण देगा तर्क देगा बौद्धिक पर चर्चाएं करेगा तो आपको बात क्लियर हो जाएगी तो जो अरण्य था वही डेवलप होके कहलाया उपनिषद उपनिषद यानी जब ज्ञान चर्चा पर संवाद पर वार्ता पर आ जाए यानी जब ज्ञान पर आप बातचीत कर सको तो ज्ञान का सबसे स्पष्ट रूप होता है आता तो है सर लेकिन बता नहीं सकते हैं मतलब क्लियर नहीं हो पाया फिर तो अगर आता है और बता भी सकते हो तो इसका मतलब क्लियर हो गया क्लियर हो जाएगा तभी तो उदाहरण दे सकते हो ना तो जब कोई बात स्पष्ट की जा रही हो स्पष्ट करने के लिए हम चर्चा का वार्तालाप शैली का संवाद शैली का प्रयोग कर रहे होते हैं तो यह सबसे स्पष्ट रूप होता है यह शब्द ही स्पष्ट कर देता है जरा जैसे मैंने इस शब्द को तोड़ा रहने को वैसे उपनिषद को तोड़ते हैं उप नी एंड सद तीन शब्दों का तीन का जोड़ है एक तरीके से ये प्रीफिक्स है जोड़ दिया उप उपस्थित हो जाना टू प्रेजेंट नी निकट से सद मतलब बैठ जाना गुरु के समीप जाकर बैठ जाना क्यों बैठ गए भाई गुरु के समीप जाकर तो गुरु क्या करेगा आपसे बातचीत करेगा चर्चा करेगा उदाहरण देगा आपके अंदर खुद ही स्पष्टता आ जाएगी तो जब संवाद शैली से वार्तालाप शैली से ज्ञान पर पर चर्चा की जाती है तो उसे उपनिषद कहा जाता है जैसे कि श्रीमद भगवत गीता वो देखता ना बार बार साल पूछता था अर्जुन कि प्रभु ये क्या है ये क्या है तो कृष्ण फिर समझाते थे तो जितने भी हमारे उपनिषद हैं सब के सब वार्तालाप शैली में कुछ उपनिषद बड़े पॉपुलर हैं जैसे कठोपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद मुंडको उपनिषद ठीक ना तो सत्य में जो लाइन है कहां से ली गई है मुंडोपनिषद से ऐसे ही आत्मा संबंधी परिचर्चा भी मिलती है एक उपनिषद है उपनिषद बड़ा पॉपुलर है आत्मा संबंधी परिचर्चा पर समझते हैं कैसे बातचीत से बात क्लियर की जाती है एक उदाहरण लेते हैं बात स्पष्ट हो जाएगी स्वतः दो इंटेलेक्चुअल इंटलेक्चुअल उपनिषद में एक तो यागवल्क और दूसरी उनकी पत्नी मैत्री उनके बीच में बातचीत चल रही होती मैत्री पूछती कि प्रभु ये बताओ आत्मा क्या होती है क्या है ही आत्मा तो अपने जो टीचर होते हैं जल्दी बताते तो नहीं है कोशिश करते हैं इसी से आंसर निकल आए इसे क्लियर हो जाए अगर ज्ञान आपसे ही उद्भूत हो गया ना तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको खुद को समझना टीचर का उद्देश्य होता है कि आप खुद से समझना सीख जाओ खुद से जानना सीख जाओ बैसाखियों का सारा लंबे समय तक मत लो अगर आप बैसाखियों का सारा लंबे समय तक ले रहे होते हो ना तो आप निर्भर बने रहोगे वो पता ही निर्भरता एक निर्भरता कितनी निर्भरताओं पर टिकी हो इसलिए अपने इंडियन फलॉसफी में अभी देखेंगे वो कहते हैं कि स्वयं से जानो स्वयंभू बनो पूरी की पूरी बातचीत करेगी देखें जरा उसका एक उदाहरण बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है मैत्री ने यागवल से पूछा कि प्रभु या आत्मा क्या होती है तो कुछ देर तक तो मौन रहे याग्वल। तो बैठी-बैठी मैत्री ने जवाब दिया बोले प्रभु क्या ये शरीर ही आत्मा है क्या तो जवाब तो नहीं दिया उसे काट और दिया खंडन कर दिया बोले शरीर बोले शरीर तो पांच तत्वों से मिलकर बना है शरीर तो सावय है शरीर तो संघात है वो जो भी कंपाउंड होता है ना वो एक दिन तो टूट ही जाता है जैसे एक दिन तो टूट ही जाएगी ना हमारी बॉडी संघात है कंपाउंड है तो जरा ये बताओ जो टूट जाएगा क्या वो हमेशा रहेगा क्या तो तुम्हरी को बात के लिए रो गई कि आत्मा जो है ना शरीर तो नहीं है फिर थोड़ी देर बैठी रही फिर सवाल पूछा अच्छा ये बताओ कि जो इंद्रियां हमारी हैं क्या वो आत्मा है क्या फिर आग फिर बात दी अरे वो, वो तो एक शरीर का हिस्सा है जब तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाता है तो इंद्रिया भी नष्ट हो जाती हैं और इंद्रियों की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इंद्रिया अपने विषयों की तरफ भागती रहती है बोले आंखें अच्छा देखना चाहती बोले कान अच्छा सुनना चाहती बोले जीव अच्छे से अच्छा टेस्ट करना चाहती ये त्वचा तो अच्छे से अच्छा स्पर्श करना चाहती बोले इंद्रियां तो निर्भर हैं, जो निर्भर है उसका तो अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है जैसे आप अभी पिताजी पर निर्भर हो इसलिए तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है ठीक है ना चलो फिलहाल निर्भरता कहीं खराब नहीं होती अच्छी बात होती है ठीक ना जिससे एक संबंध बना रहता है फिलहाल वापस देखते हैं, तो <laughs> उन्होंने कहा इंद्रिया बोली इंद्रिया तो विषयों की तरह भाग रही होती हैं, तो ये तो स्वनिर्भर नहीं है ना जो निर्भर नहीं है वो तो स्वतंत्र हो सकता है तो नहीं ये भी क्लियर होने लगा कि निर्भरता है तो यानी ये भी इंद्रियां पूर्ण नहीं है ये भी आत्मा नहीं हो सकती चुप चुपचाप बैठ रही मैत्री फिर कहा अच्छा ही बताओ कि जो ये मन है वो आत्मा है क्या बोले मन बोले मन तो जहां देखो तहा भागता रहता है अरे बजीर मुवी देख ही नहीं पाए उसने मुझे गाली दी थी मैंने विचार आ गया कहीं और भाग गया अब आईपीएस बन के ही दिखाएंगे हम तो मन कहीं और भाग गया बैठे बैठे भूख लगाई मन ने कहा चलो क्लास खत्म ना तुरंत गोलगप्पे खाएंगे तो मन फिर कहीं और भाग गया अरे मन तो भागता ही रहता है एक क्षण को रुकता ही नहीं है जिसमें इतना अधिक विचलन हो उसमें स्थायित्व तो कहां तो मैत्री को ये भी क्लियर हो गया कि आत्मा है वो मन भी नहीं हो सकता है फिर दिमाग लगाया उन्होंने बोले बुद्धि तो थोड़ा सा फिर उन्होंने कहा बोली बुद्धि बोली बुद्धि दो विकल्पों में उलझ कर रह जाती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए फिलोसफी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना आई एस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अरे ये करें कि वो करें बुद्धि दो विकल्पों में उलझ कर रह जाती है अगर दो चीजें हैं ना तो अपने आप ही नहीं बनना था किसी चीज़ को निर्भरता अपने आप आ जाएगी सोचा बोले अहंकार बोले ईगो के साथ और बड़ी समस्या ईगो तो काम जोड़ता रहता है बोले मेरी किताब मेरा नोट्स मेरा पेन मेरी कार मेरा मकान मेरा मेरा करते रहता है ये ईगो अहंकार भाव रखता है तो इसमें पूर्णता नहीं तो मैत्री को इतना क्लियर होने लगा कि अगर किसी को स्वतंत्र होना है निरपेक्ष होना है, तो ना तो शरीर हो सकता है ना इंद्री हो सकता है, मन हो सकता है अब क्लियर तो हो तो चल रहा था लेकिन फिर फिर भी उन्होंने पूछा अरे प्रभु अब तो बता दो कि आत्मा क्या है तो यागवल ने बताना शुरू किया फिर बोले ये जो आत्मा है ना तो शरीर है ना ही इंद्री है ना ही मन है ना ही बुद्धि है ना ही अहंकार है बोले जो ये जान रहा है ना जो ये सीख रहा है ना जो ये समझ रहा है ना यही आत्मा है तभी तो, तो कहते ना कॉन्सियस नहीं हो क्या क्लास चल रही थी जब बता रहे थे तो जो जानने वाला है ना वही आत्म तत्व तो है तो इंडियन फिलोसॉफी क्या करती है किसी चीज को वार्ता से समझाती है चर्चा समझाती है तो आत्मवान आप तभी हो ना जब जानने की कोशिश करते हो समझने की कोशिश करते हो कहा, जो ये प्रश्न पूछ रहा है ना अरे वही तो आत्मा है तो मैत्री क्लियर होने लगा थोड़ा सा और क्लियर किया कि देखो जो आत्मा होती है वो चीजों को रेगुलेट करती है कंट्रोल करती है जब आप कौन से होते हो ना तभी तो होता है ना चलो हाथ रख लेते हैं बड़ी देर से क्लास ले रहे बैठ जाते हैं तो कोई तो आपके शरीर को रेगुलेट कर रहा है ना नहीं क्लास चल रही मन को नहीं भागने देंगे तो किसी ने कंट्रोल किया ना आपके मन को अरे ये विकल्प नहीं ये विकल्प ही सही तो किसी ने आपकी बुद्धि को कंट्रोल किया ना अरे किस बात का अहंकार तो किसी ने कंट्रोल किया ना आपको तो जो कंट्रोलर है जो नियंत्रण करने वाला है वही तो तत्व है यानी जो जानने वाला है सीखने वाला है वही आत्म तत्व है तो उपनिषद जितने भी हैं, वो अपनी बात को समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करते हैं दृष्टांत देते हैं बातचीत के माध्यम से सभी संकल्पनाओं को अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं तो उपनिषद जो है वो वार्तालाप शैली से ये को स्पष्ट करते हैं तो इस उपनिषद की प्रक्रिया ने एक टेक्निकल टर्म क्वाइन कर लिया आत्मा अभी यहां पर वेद में आत्मा शब्द नहीं आया था ध्यान रखना है अब चूंकि इसमें समस्या हो रही थी ध्यान रखना है हमारे दर्शन का मूल बिंदु तो वेद है लेकिन दार्शनिक प्रणाली का जो आधार है वो उपनिषद है जब तक आप बातचीत नहीं करोगे वार्ताएं नहीं करोगे सवाल नहीं पूछोगे ना तब तक सही अर्थों में जान ही नहीं पाओगे तो हमारे दर्शन का तार्किकता का आधार जो है वो उपनिषद है क्लियर सभी को तो दर्शन का जो प्रारब्ध है सही मायने में वो है उपनिषद इन दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है क्योंकि इसमें विचलन था इसलिए इसको डेवलप होना जरूरी था अरे बीज था तो किसका बीज है ये ये बीज तो, तो तब पता लगेगा जब वो फल बन जाएगा ना तो वेद जब डेवलप हुए लॉजिकली डेवलपमेंट हुआ क्या यह समझ सकते हो सरलता से दिस द पोएटिक फॉर्म पोएटिक फॉर्म कन्वर्ट इन फॉर्म सॉरी ये पद रूप में था पद गद्य में आया यही चिंतन में आया और यही वार्ता में आया हिस्ट्री में रटते ना रटना नहीं होता एक अपने आप ही लॉजिकल डेवलपमेंट होता है एक तार्किक विकास है तो हमारे ज्ञान की प्रक्रिया की एक विकास यात्रा है जो वेद ब्राह्मण अरण्यक से होती उपनिषद तक पहुंचती है और उपनिषद में तार्किक वेचन का प्रारंभ हो जाता है तो जो दर्शन है जो तार्किकता को आधार बनाता है तो देखें जरा आगे बढ़ते हैं तो वेद और उपनिषद ने डेवलप करते करते एक एलिमेंट क्वाइन कर लिया वो था आत्म तत्व यानी जो हमारी परंपरा थी उसने एक टेक्निकल टर्म क्वाइन कर लिया आत्मा वो केंद्र में रखकर ही इसकी बातचीत शुरू होने लगी चाहे शरीर की व्याख्या करनी हो चाहे इंद्रियों की व्याख्या करनी हो तो हमारी दर्शन परंपरा ने आत्मा को केंद्र बना लिया अपनी इसलिए इंडियन फलॉसॉफी आध्यात्मिक कही जाती है ये हमारी पूरी वैचारिक यात्रा का एक बिंदु था जिससे कि पूरी की पूरी व्याख्याएँ करनी आसान हो रही थी क्यों लगा क्यों बनाना पड़ा ऐसे केंद्र अरे कोई तो एक आधार लोगे जिससे चीज़ों की व्याख्या की जाएगी अरे इसका कुछ भी नाम हो सकता था ध्यान रखो जैसे फिजिक्स एटम बोल रही है ऐसी फिलोसफी ने आत्मा कह दिया कुछ अंतर थोड़ी ना पड़ा देखें जरा कंपेयर करते हुए जैसे भौतिकी ने क्या किया अणु रख लिया समझने के लिए अणु हो आत्मा नहीं होगी ध्यान रखो समझने के लिए हम प्रयोग कर रहे करें इसको जैसे भौतिकी ने अणु रख लिया कि बचपन से अणु की पढ़ते थे तो समझना आसान हो जाता इसलिए एग्जाम्पल रखा गया अणु व जिसे और अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता क्लियर जिसे नहीं तोड़ सकते हो ना विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड जो नहीं टूटेगा वही तो हमेशा होगा ना तो अपने आप शब्द हो जाएगा कि भाई जो नहीं टूटेगा ना वही तो नित्य हो जाएगा ना हर चीज की व्याख्यान उसे की तो की जाती है चाहे पोडियम को बताना हो चाहे बोर्ड को बताना हो चाहे हमें बताना हो चाहे कुछ बताना एवरीथिंग डिफाइन चीज की व्याख्या करोगे तो जब किसी एक पॉइंट से व्याख्या की जाएगी तो उसे तो वस्तुओं की अपेक्षा नहीं है लेकिन सभी वस्तुओं को उसकी अपेक्षा है कह सकते हो ना खुलतों से अपेक्षा नहीं किसी चीज की लेकिन वस्तुओं को उसकी अपेक्षा है तो यानी ये जो शब्द है यह निरपेक्ष है सरल है क्लियर ना सिंपलेस पार्ट हुआ ही और जब सरल होता चला गया तो यूनिट बन गई ना एक इकाई बन गई ना एक, एक एक एटम मिला फिर एक, एक एटम मिला फिर एक एटम मिला तभी तो कंपाउंड बना ना तभी तो संघात हुआ ना टेक्निकली अब देखो जरा जब, जब केंद्र में अणु रहा तो बन गया अणुवाद अब केंद्र में हम रख दिया आत्मा बस कुछ नहीं किया मैंने कर दिया तो आत्मा भी तो यही है ना आत्मा नित्य है शाश्वत है अमर है सरल है एक है निरपेक्ष है जो सरल होगा वही तो स्वतंत्र हो सकता है सरल है स्वतंत्र है अपने आप शब्द बनते चले जाएंगे ये इंडियन फलोसोफी बातचीत करती है कि जो आत्म तत्व है वह स्वतंत्र है निरपेक्ष है एक है मित्र पेपर में आता रहता है आत्मा अजरमर है बोले शस्त्र ना तो काट सकता है अग्नि जला नहीं सकती तमाम बातें लिखी रहती पेपरों में आती रहती जो पुण्य तिथि वाला होता है ना कॉलम बना रहता है अजो नित्यम शास्त्रोत्यम ना हन्य माने शरीर कहीं लिखा होता नम छिंदन शस्त्रणी नम धाती पापा ना चय नम कले दिन त्यापो ना सोश लिखी रहती तमाम बातें चलो उनसे कोई मतलब नहीं आपको फिलहाल ये बातें लिखी तो रहती हैं लिखा रहता आत्मा जर अमर है तो भाई आ कहाँ से गया कुछ नहीं कोई भी कोई टेक्निकल टर्म बनाता तो उसका टेक्निकल टर्म ऐसे ही होता सेल बनाती है पूरी कार्बनिक रसायन आपकी हो जाती बस अध्यात्म आधुनिक आत्मा रख ले तो हर चीज आत्मा से डराइव कर रहे हैं कुछ नहीं टेक्निकली एवरीथिंग डिफाइन बाय एटम सोल आत्मा अब जैसे सब कभी कंफ्यूजन है तो भाई ईश्वर रख लो ना और क्लियर हो जाता है किसी को मजा नहीं आया इन शब्दों में ईश्वर रखेंगे साहब हम तो थोड़ी देर पहले जैसे तो समझाया मैंने बोले ईश्वर भी तो नित्य है उस ईश्वर को हमारी अपेक्षा नहीं है लेकिन हमें सब को उसकी अपेक्षा है परीक्षा हम पास करा दे उससे अपेक्षा नहीं है वो एक है हर देखो हर सब कोई कहता है ईश्वर एक है चाहे कोई भी धर्म हो सब कहते हैं ईश्वर एक है ठीक ना नेत्य है हमेशा रहता है सर्वव्यापी तमाम चीजें लगा देते हैं, उसके पीछे पीछे ठीक ना तो जो एक होगा वही तो स्वतंत्र होगा वही निरपेक्ष होगा सरल होता चला जाएगा क्लियर कुछ नहीं किया ये टेक्निकल चला अनुवाद कह दो चाहे आत्मवाद कह दो चाहे ईश्वरवाद कह दो बात वही ही रही घूम फिर करो के लिए अनुवाद हो गया अध्यात्म के लिए आत्मवाद हो गया ईश्वरवादियों के लिए ईश्वरवाद हो गया है क्या उसमें अरे समाजशास्त्र पढ़ते समाजवाद पढ़ते समाज कोर में चला जाता उसमें तो समाजवाद समाज सबसे ऊपर होता है समाज के नियमों को मानना चाहिए नियम नहीं मानोगे तो टूट जाओगे तो तो करता है तो घूम फिर कर कोर में जो पॉइंट होगा तो हर चीज उसे डराइव करेंगे तो अब वेद उपनिषद ने अपने आत्म तत्व को ऐसा बताया क्लियर तो उन्होंने कहा कि आत्मा जो होती है वो इस प्रकार से है कोई बताता तो उसका कोर ऐसा ही होता है ध्यान रखो ठीक ना एटम रख लो चाहे कुछ भी रख लो चाहे इसो रख लो घूम फिरकर तो आत्म तत्व जो इनका रहा वो नित्य है साश्वत एक ही बात है ठीक ना अंग्रेजी में एक ही शब्द समान होता है इटर्नल एक है और सरल है क्लियर नहीं बात सभी को आत्मा ऐसी होती है ऐसा मान लिया गया ऐसा मान लिया गया अब होती कि नहीं होती इससे में कोई मतलब नहीं फिलोसफी वालों ने मान लिया जैसे मै श्रुति माना कि सौ प्रतिशत तो मान लिया कि आत्मा ऐसी है कि इंडियन फिलोसफी मानो से ही चलती है पहले मान लो ईश्वर है ईश्वर को मानो नहीं तो खोजो कहां से पहले मान लिया जाता है पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा मान तो लो साहब तो फिलोसफी वालों ने क्या किया कि बोले आत्मा ऐसी होती है मुझे नहीं पता ऐसी होती कि नहीं होती लेकिन दर्शन वालों ने ऐसा कह दिया मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं दर्शन ऐसा कह रहा है वेदोपनिषद की परंपरा ने कहा कि आत्म तत्व तो ऐसा है क्लियर कोई भी बात कही जाए कोई भी व्यक्ति कहे तो सरल सी बात है कोई भी बात कही जाएगी तो उसको तो कुछ लोग मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे और ये हमेशा का नियम रहा है ठीक ना देखते हो ना पार्टियों में आजकल कल ऑडिमिन इनका रूल बनाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे मान लेंगे कुछ लोग कहेंगे नहीं मानेंगे जैसे कि मैं क्लास में समझाने के लिए एग्जाम्पल देता हूं कल से इसको सुबह चार बजे उठना है वो मैंने सर्दी के दिनों में उससे चार बजे उठना है बस मैंने एक बात कही इससे कल तुम्हें तो चार बजे उठना है देखो जरा जैसे ही मैंने सिंगल कहा कि कल आपको सुबह चार बजे उठना है बस शुरू गई प्रक्रिया दिमाग बोले सर आपने कहा तो उठ जाते लेकिन सर सर्दी बड़ी है आजकल टूट तो नहीं सकते फिर याद आया कि सर ने का कोई बात तो होगी हो सकता है रिवीजन ज्यादा अच्छे से हो जाता हो लेकिन सर रात में रिवीजन कर लेंगे तो बुरा क्या है उसमें फिर पॉइंट आया कि कोई तो बात है सर की बात मान लीजिए हो सकता है दिन भर सोचता रहे बात को एक घंटे दो घंटे चलती रहे प्रक्रिया ये बात सिर्फ इतनी है सुबह चार बजे उठना है ऐसे ही अपने वेद और का फर्स्ट थॉट था ये पहला विचार आत्म तत्व जो है नित्य है शाश्वत है सरल है और एक है तो स्वाभाविक तौर पर समझो कुछ लोग इस लाइन के साथ में आ गए और कुछ लोग इस लाइन के विरोध में चले गए क्लियर तो जो लोग साथ में आ गए ना तो उन्होंने इसको ऐसे जैसे बताया गया ना बिल्कुल वैसे ही मान लिया बोले चलो साहब आप कहते हो ना सुबह चार बजे उठने के लिए तो उठ जाते हैं ये बिल्कुल वैसे हो गया कि आप कहते हो आत्मा तो सास सरल एक है तो मान लेते हैं साहब कोई बुराई नहीं इसमें चलो मान ली आपकी बात तो कुछ लोगों ने क्या किया कि इस बात को फॉलो कर लिया बोले आत्मा जो है वह नित्य है आत्मा हाँ, फिलहाल तीन शब्दों जो है तो तीन शब्द ही इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे नित्य है एक है और सरल है क्लियर और भी वर्ड्स रखे जा सकते हैं यहाँ पर और भी शब्दों का प्रयोग कर है लेकिन फिलहाल तीन शब्द से ये भी काम चल जाएगा आत्मा नित्य है एक है और सरल है क्लियर अब आप लोग अपना सिलेबस ओपन करो ये आपको सिलेबस पर ले जाने की प्रक्रिया थी आपको ठीक ना तो आप जो पेपर है लास्ट पेज लगा हुआ है इसमें हिंदी में सिलेबस लिखा है वही पेज खोल लो जो टॉपिक नंबर बारह है जहां से चार वाक लिखा है ठीक ना वहां से है आपका भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसॉफी ठीक ना अब देखें जरा फिर बोर्ड की तरफ देखें आप लोग इस पेज को खोल के रखना अब इसी पे बातचीत चलने वाली है आपकी तो मैंने अभी समझाया कुछ लोग इस विचार के साथ में आ जाएंगे और कुछ लोग इस विचार के विरोध में चले जाएंगे बिल्कुल वैसे ये चार बजे उठ जाएंगे और चार बजे नहीं उठेंगे। बिल्कुल सरल तरीके से समझ लो तो अगर इस बात के विरोध में जाओगे ना तो नित्य का विरोधी क्या हो गया अनित्य ना एक का विरोधी क्या हो गया अनेक सल का विरोधी क्या हो गया कंपाउंड मिस्र सिंपल का कंपाउंड जटिल मिश्र एक ही बात होगी चलो क्लियर एक ही बात होगी सर सिंपल का कंपाउंड ये तो बना देखो जरा जो अनित्य की बात करने वाले थे वो बन गए बौद्ध यानी जिनकी केंद्रीय विचारधारा में अनितता बैठी है तो बन गई वो बौद्ध विचारधारा बात करेंगे हम लोग इन्होंने क्यों बनाया ऐसा जो अनेकता पर बात कर रहे थी वह केंद्रीय विचारधारा बन गई जैन ठीक ना और जो मिस जटिलता संघात की बात कर रही थी तो जटिल क्या है सब संघात है ना ये देखो ये सब कंपाउंड है ना तो संघात या जटिलता की बात जो है सब भौतिक चीजें है ना तो जटिल और संघात है वो शब्द बन गया भौतिक ये फिलोसॉफी कहलाती है चार्वाक तो ये जितनी भी मान्यता है बौद्ध जैन और चार्वाक ये वेद परंपरा के विरोध में है तो इसको कहा जाता है हेट्रोडॉक्स या नास्तिक परंपरा क्लियर? लेकिन कुछ लोग इस मान्यता के समर्थन में भी तो आए इस मान्यता के समर्थन में आए यानी वेद परंपरा वेद परंपरा को एज इट इज मान लिया तो कहोगे ना परंपरावादी उसी उसे बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स टेक्निकल टर्म में कैसे उसे कह दिया आस्तिक ठीक ना यानी जो वेद उपनिषदों की आत्मा संबंधी अवधारणा को मान रहे होते हैं उन्हें कहा गया आस्तिक या परंपरावादी और इन्हें कह सकते हो गैर परंपरावादी परंपरावादी अंग्रेजी में लिख दिया तो ऑर्थोडॉक्स एंड हेट्रोडॉक्स

सांख योग न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत ठीक ना तो ये छह हो गए ना सिक्स ऑफ़ बोलते सट दर्शन संख्या में हैं ये दर्शन। तो ये दर्शन जो है ये आस्तिक परंपरा है आपकी तो इन टोटलिटी आगे पास तीन टॉपिक ये और छह टॉपिक ये नौ टॉपिक हो गया आपके पास यानी नास्तिक परंपरा में टॉपिक हो गया आपके चारवाक, जैन और बौद्ध क्लियर सिलेबस में देखो जरा चारवाक, जैन और बौद्ध चलो इसमें ऊपर लिखा है कोई दिक्कत नहीं न्याय वैसे क्लियर एक ग्रुप अभी बताते हैं क्यों ग्रुप बन गई सांख योग मीमांसा और वेदांता क्लियर सिलेबस बनता चला जा रहा है आपका जो बाद का से लास्ट टॉपिक लिखा अरविंदो या अरविंद ये मॉडर्न टॉपिक है आधुनिक दर्शन का एक रूप है वो क्यों आया आप लोग जानेंगे फिलहाल अभी उसकी जरूरत नहीं बताने की अभी फिलहाल यहां देखते हैं <coughs> यानी भारतीय दर्शन परंपरा दो भागों में टूट गई आस्तिक और नास्तिक अब ध्यान रखो यहां पर लेकिन जो ये आस्तिक परंपरा जो थी ये तो सब वेद उपनिषदों की बातें मान ही रहे थे ऐसे समझो कि छह स्टूडेंट हो क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा उन्हें तो जब टीचर ने पढ़ाया ना तो सब ने अपने अपने हिसाब से समझ लिया उसे सांख ने अपने समझा योग ने अपने समझा मीमांसा ने अपने हिसाब समझा वेदांत ने अपने समझा देखी है लेकिन सब अलग तरीके से समझ रहे तो जब सांख ने अपनी बात कही तो योग ने कहा कि आपकी बातें कुछ अधूरी हैं मेरी बातें को जोड़ लो तो एक ग्रुप बन गया सांख और योग ऐसी ग्रुप बन गया न्याय वैशिका एक ग्रुप बन गया ऐसी ग्रुप बन गया मीमांसा और वेदांत तो तीन ग्रुप बन गए मीमांसा वेदांत सांख योग और न्याय वैशेषिका तो इंडियन फिलोसॉफी में इस तरह से दो ब्रांचेस बन गई नास्तिक और आस्तिक क्लियर लेकिन जब हम सामान्य अर्थों में देख रहे होते हैं तो आस्तिक नास्तिक की परिभाषा हम इस प्रकार से तोड़ते हैं जो लोग ईश्वर को मानते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है लेकिन ध्यान रखना है ये परिभाषा दर्शन की परिभाषा नहीं है क्यों ये जितनी ब्रांचेज है ना मैक्सिम ईश्वर को मानती ही नहीं है बौद्ध ईश्वर को नहीं मानता है जैन भी नहीं मानता है चार भाग तो मानता ही नहीं है ठीक ना मीमांसा मानसा मंत्रों को मानता ईश्वर को नहीं मानता वेदांत का जो असली फॉर्म है अद्वैत वेदांत तो वो भी ईश्वर को नहीं मानता वैष्णवी परंपरा मानती है सांख भी ईश्वर को नहीं मानता योग कुछ देर के लिए ईश्वर को मानता है बस उसको छोड़ देता है इसका भी नाके बराबर रोल है अकेले यही दो दर्शन है जो ईश्वर को मान रहे होते हैं तो शुरुआत में जो न्याय आया ना वो भी ईश्वर को नहीं मानता था था ही नहीं थॉट प्रोसेस में तो आ कहां से किसी भी दर्शन परंपरा में ईश्वर की मान्यता को नहीं माना गया था शुरुआत में ऐसा हमारा दर्शन कहता है ऐसी हमारी फिलोसॉफी बताती है समझेंगे ईश्वर कब आ गया इतिहास में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने ईश्वर की अवधारणा सशक्त होती चली गई ठीक ना वो एक अलग बिंदु होगा फिलहाल ये तीन ग्रुप बन गए तो यहाँ पर फिलोसॉफी की टॉपिक बन गए चार वाक जैन बौद्ध न्याय वैशेषिक, सिक सांख योग मीमांसा और वेदांत अब देखो जरा जब परंपरा ज्ञान से शुरू हुई तो बीज में जब ज्ञान ही था तो कितना भी विभाजन हो जाए व्याख्या तो ज्ञान की होनी है ना चाहे हम पॉजिटिव तरीके से बताएं चाहे नेगेटिव तरीके से बताएं या समझो अल्टरनेट के तौर पर जैसे मान लो प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हो चार विकल्प हैं चाहे हम ऐसे टिक कर लें या हम कह दें कि ये आंसर नहीं है ये आंसर नहीं है ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। तो निष्कर्ष तो एक ही आना है चाहे ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो तो टेक्निकली अपने इंडियन थॉट पहले डिक्लेयर कर चुका था रियलिटी इज वन बट स्कॉलर से डिफरेंट डिफरेंट मैनर एकम सत विप्रा बहुधा वी रियलिटी या वास्तविकता तो एक ही होती है लेकिन जितने विद्वान जन होते ना अलग अलग तरीके से व्याख्याएं करते हैं यही भारतीय दर्शन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है यहां लोग अलग अलग तरीके से बातें करेंगे लेकिन सबका उद्देश्य होगा ज्ञान नॉलेज व इंडियन फिलोसफी डिस्कस नॉलेज क्यों इंडियन फिलोसफी नॉलेज पर बातचीत कर रही है जब तक ज्ञान नहीं होगा ना तब तक इस लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाओगे दुखों में घिरे रहोगे बार बार जब तक ज्ञान नहीं हो जाएगा सरल शब्दों समझ नहीं सकते यूपीएससी से जब तक सही से ज्ञान नहीं आ गया ना तो बार बार अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा बार बार जीवन चक्र में घूमना ही पड़ेगा जब तक ज्ञान नहीं हो गया <coughs> तो इंडियन फिलोसफी जो भारतीय दर्शन जो है पूरे का पूरा ज्ञान पर ही बातचीत करता है जब भी भारत दर्शन की बात कही जाती है तो सिर्फ एक टॉपिक को हटाकर बात की जाती है वो है चार वाक। क्यों ये भौतिकता की बात करता है और भौतिकता की बात तो वेस्टर्न फिलोसोफी ज्यादा करती है ठीक ना जब भी हम भारत दर्शन शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है इन सब को साथ लेकर बातचीत कर रहे होते हैं समस्त भारतीय दर्शन ज्ञान की ही चर्चा करता है जरा इन शब्दों से समझ सकते हैं इस चीज़ को देखें जरा इन शब्दों को तोड़ते हैं हर शब्द का पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए ध्यान रखो तभी चीज़ों में क्लैरिटी आती जाती है कोई कंफ्यूजन फलॉसॉफी में होता ही नहीं सच बताऊं तो ठीक ना कोई जल्दबाजी नहीं बिल्कुल गंभीरता के साथ सीखना है विषय को और बहुत ही सहज सब विषय होता है बस जानकारी आपको सब कुछ है बस उसको सिस्टमैटिक कर रहे हैं आपके मनोमस्तिष्क में और कोई काम नहीं है देखें जरा बौद्ध बौद्ध शब्द जो है वो बना है से बोधि का मतलब होता है ज्ञान अंग्रेजी बोलते हैं तो बात तो ही कह रहा है बौद्ध भी अगर आपको ज्ञान हो गया ना तो आप बुद्ध हो जाओगे इसलिए इंडियन फिलोसॉफी कहती है जो भी जान गया वो बुद्ध है हम सब बुद्ध हो सकते हैं कोई बुद्ध हो सकता है ध्यान रखो क्योंकि बौद्ध का मतलब बोधि और बोधि का मतलब ज्ञान से तो बौद्ध शब्द भी ज्ञान की ही बात करता है बस ये अपने ज्ञान का तरीका बताएंगे हमारा ज्ञान क्या होता बस करेंगे ज्ञान की चर्चा जैन शब्द बनता है जिन से जिनका मतलब होता भी विजेता जीतने वाला जिसने इंद्रियों को जीत रखा हो जिसने सुख दुख पर विजय पा ली हो दैट पर्सन हु कैनक्वायर प्लेजर एंड पेन जिसने सुख और दुख दोनों को जीत रखा हो उसे जिन कहा जाता है ये समझ आ जाती ना तो वह बहुत सुख में बहुत अधिक सुखी नहीं होता है बहुत दुख में बहुत बड़ बड़े बड़े आंसू नहीं बहाता है समझो जिस समझ हो क्या इसमें प्री पास करने से कुछ नहीं होने वाला बड़ी बड़ी पार्टियां देने कोई मतलब नहीं है भाई अभी तो मेंस बचा है तो अत्यधिक आहलाद भी जरूरी नहीं है अत्यधिक हर्ष का विषय भी नहीं है प्री फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया अरे उसके बाद भी बहुत कुछ है करने के लिए जब दुखी थे अपने गार्जियंस के पास गए तो पिता ने तुरंत समझाया बेटा ज्यादा परेशान मत हो जीवन का एक पहलू भर है ये ये भी बुरे दिन कट जाएंगे जब बहुत ज्यादा खुशियां मनाते घर वाले तुरंत ज्यादा मत मचाओ हमेशा ही रहने वाला है जिसे समझ होती है ना उसके लिए सुख और दुख दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं जिस बात को समझता है ना कि सुख और दुख जीवन के चक्र हैं जीवन के पहलू भर हैं तो सुख और दुख दोनों से दूर हो जाता दूर होने का मतलब है कि सुख और दुख दोनों को जान जाता है जो इन दोनों को जानता उसे जिन कहते हैं जो ऐसे जिनके फॉलोअर हैं उन्हें जैन कहते हैं ठीक ना तो जानेगा कौन जिसे ज्ञान हो जाएगा ना तो ये जिन शब्द भी ज्ञान को ही बता रहा होता है ध्यान रखो सब एक ही बात करते हैं पूरी इंडियन फिलोसॉफी में नॉलेज क्यों करते हैं भी बताते अब जरा इस शब्द को देखते हैं ये तो बाद में लिख दिया सांख सांग शब्द दूसरे संदर्भों में लिखा जाता है, समाख्या शब्द को तोड़ोगे ना समन आख्या सम का मतलब तो प्रॉपर अख्या मतलब ज्ञान जो उचित ज्ञान की बात करे उसे सांग कहते हैं सांग का मतलब ये उचित ज्ञान से जो प्रॉपर नॉलेज पर बात करे ना उसको कहा जाता है सांग तो प्रॉपर नॉलेज कब होगी दो जैसे एक जैसे विकल्प दिख रहे हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या अच्छा और क्या बुरा है यू टू टाइप ऑफ सिमिलर नॉलेज जब एक जैसी दो चीजों में भेद कर लेते हो ठीक ना समझ लेते हो कि सही और ये गलत है तो वो फोलॉसफी बनेगी सांख की, की फिलोसफी तो सांख भी उचित ज्ञान की बात करता है तो हम समझेंगे कैसे इस बात को कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है तो इसकी व्यवहारिक व्याख्या इसके संपूरक दर्शन योग ने पूरी कर दी योग का मतलब होता है ये से, इसका मतलब होता है जुड़ना जैसे कि आप नहीं जानते थे ना सीमित ज्ञान रखते थे जिसके पास ज्ञान था उसके पास चले गए ना तो उससे जुड़े ना तो जुड़ने से ना धीरे धीरे सीमित ज्ञान से आप असीमित ज्ञान की तरफ बढ़ने लगे तो योग है ज्ञान के प्रति से जुड़ना तो योग भी ज्ञान पक्ष की ही विवेचना करता है ज्ञान पक्ष को ही व्यवहारिक तौर पर स्पष्ट करता है अब न्याय देखो को कोई शब्द हटता ही नहीं ज्ञान के अलावा न्याय न्याय सिंपल अर्थ में हम कहते हैं समझो शब्द को न्यायाधीश कोई भी न्यायाधीश न्याय तब कर पाएगा जब उसके पास साक्ष्य हो प्रमाण हो यदि आप पास प्रबल प्रमाण हो तो आपको ज्ञान आसानी से हो जाएगा ना तो जो न्याय फिलोसॉफी है वह प्रमाणों पर चर्चा करती है प्रमाणों की विशद व्याख्या करती है इसलिए यदि कोई भारत दर्शन पर आरोप लगाए कि भारतीय दर्शन तो अबौधिक है अतार्किक है तो इस कार के आरोप को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि न्याय दर्शन तो सिर्फ प्रमाणों पर ही बात करती है सोर्स ऑफ नॉलेज पर ही बातचीत करती है यदि जिसके पास ज्ञान के साधन भरे पड़े हो तो वो तो अपने आप ही ज्ञानी हो जाएगा ना तो न्याय दर्शन भी ज्ञान के साधनों से ज्ञान की बात करती है तो ज्ञान किसी का तो प्राप्त करना होगा ना तो इस बात को पूरकता में करती है वैश्विक दर्शन क्लियर तो इसका पूरक बन जाता है ज्ञान करना है तो किसी का तो ज्ञान करना है जानना है किसे जानना है अगर हम कहते कहते तो जानना है तो भाई क्या जानना है कोई वस्तु तो लाओ कोई ऑब्जेक्ट तो लाओ तो ये ऑब्जेक्ट बात करके वो ऑब्जेक्ट बताता है वस्तु बताता है वैश्विक का दर्शन ठीक <coughs> ना अब बचता है एक शब्द मीमांसा मीमांसा का मतलब होता है क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन तार्किक विश्लेषण अपने आप समझो तर्क का इस्तेमाल करोगे बुद्धि का इस्तेमाल करोगे कर रहे हो साहब जानने के लिए तो करोगे ना तो मीमांसा का मतलब भी होता है क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन तार्किक विवेचना क्लियर तो मीमांसा दर्शन भी तार्किक विवेचना की बात करती है क्लियर तो कोई भी फिलोस हट नहीं रही ज्ञान से हर कोई ज्ञान ही बता रहा है ध्यान रखो वेदांत शब्द को तोड़ोगे ना शब्द टूटेगा दो पार्ट में वेद धन अंत अंत जो वेद को कहे वेद मतलब ज्ञान जो अंततः ज्ञान को कहे वही वेदांत तो ज्ञान को किसने कहा था उपनिषद नहीं ना तो उपनिषद और वेदांत एक ही बात होती है ध्यान रखो उसे उपनिषद भी कह सकते हो उसे वेदांत भी कह सकते हो तो ये वेदांत शब्द भी ज्ञान की ही बात करता है तो आप किसी भी शब्द को देख लो ना सबके सब, सब ज्ञान की ही बात करते हैं चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो चाहे सांख हो चाहे योग हो चाहे मीमांसा हो चाहे न्याय हो तब हम कह सकते हैं कि समस्त भारतीय दर्शन ज्ञान की पर चर्चा करता है इस ज्ञान को विभिन्न दर्शनों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्यात किया है लेकिन सभी का मूल मंतव्य ज्ञान ही है तो ज्ञान ज्ञान किसके लिए? लिए। जीवन के यदि जीवन को अच्छे से जीना है ना तो ज्ञान प्राप्त करना ही होगा तो इंडियन फिलोसफी ऑलवेज रिफाइन ए पर्पस भारतीय दर्शन में दर्शन का एक उद्देश्य है वह जीवन को करने का प्रयास करता है यह पूरी की पूरी फिलोसॉफी जो है एक प्रकार का जीवन दर्शन है यानी भारतीय ज्ञान का उद्देश्य जो है वो ज्ञान पर परिचर्चा करना है और इस ज्ञान का भी उद्देश्य है वो जीवन लाइफ इंडियन फिलोसॉफी के कहा था इंडियन इज वे ऑफ लाइफ जीवन के लिए एक रास्ता दिखाती इंडियन फलोसॉफी जीवन कैसे अच्छे से जिया जाए तो भारतीय दर्शन का मूलभूत उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना है आत्म तत्व की व्याख्या का उद्देश्य नहीं है सही मायने में समझो तो आत्म तत्व के सहारे जीवन में स्थायित्व लाने का उद्देश्य है ना कोई एक आधार तो लेना पड़ेगा ना जि सहायता से जीवन को सही से व्याख्या कर सकते हो ना तो इंडियन फिलोसॉफी में भारतीय दर्शन में ज्ञान को भी एक उद्देश्य दिया गया है जिससे जीवन को व्यवस्थित किया जा सके तो समस्त भारतीय दर्शन का एक ही उद्देश्य है जीवन की व्याख्या करना इसलिए यदि कोई यह कही कि भारतीय दर्शन अलौकिकता की बात करता है तो व्यक्ति भारतीय दर्शन को सही प्रकार से समझ नहीं रहा है वो तो जीवन की व्याख्या करता है वो जीवन सबसे बड़ा व्यवहारिक पक्ष है तो आप कह सकते हो भारत दर्शन व्यवहारिक है इंडियन फिलोसॉफी प्रैक्टिकल फिलोसॉफी इंडियन टू लाइफ जीवन से संबंधित है व्यवहारिकता अगर जो भारत दर्शन को समझते नहीं है वो सिर्फ आत्म तत्व को पकड़ कर रह जाते हैं ना तो उन्हें ऐसे लगता है कि भारत दर्शन आध्यात्मिकता के नाम पर अत तत्वों का वेचन भर करती है जो हमारी पकड़ में ही नहीं है भारत दर्शन का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो निश्चित तौर पर वह भारत दर्शन को समझ ही नहीं रहे हैं दर्शन का मूलभूत इस जीवन की व्यवहारिकता की व्याख्या करना है जितने भी दर्शन पढ़ोगे ना बहुत प्रैक्टिकलिटी में चलेंगे वो दर्शन शुरू होगा दुख से हर फिलोसफी दुख पर बातचीत शुरू करेगी दुख है दुख है अरे जिसको देखो दुखी है ना कोई घर वालों से दुखी है ठीक ना? कोई यूपीएससी से दुखी है कोई नौकरी से दुखी है उसने मेरी बात नहीं मानी तो इस बात से दुखी है उसने मेरी सही बातें मान ली इस बात से भी दुखी हो जाता है ऐसा क्या बात है क्या सब बात मान ली आज मेरी तो ये भी दुख हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट इंडियन फॉलोसफी का दुख से ही है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडियन फॉलोसोफी हर फॉलोसोफी दुख पर बातचीत करेगी जो लोग शुरुआत में भारत को पढ़ते हैं अरे ये तो बड़ा ही ही है। देखो दुख ही दुख दुख ही दुख दुख ही दुख, दुख, ही दुख सिर्फ दुख दुख से शुरुआत जरूर करती है लेकिन अंत दुख पर नहीं है अंत आशावाद पर है और सबसे बड़ी आशा है वो है फ्रीडम पूरी की पूरी फिलॉसफी सिखाती है फ्रीडम स्वतंत्र होना अगर आप विचारों से बंधे हो ना तो भी बंधन में हो यह मुक्त होना सिखाती है तो भारत दर्शन का एक मूलभूत उद्देश्य है मोक्ष ठीक ना मोक्ष बड़ा ही प्रैक्टिकल शब्द है ध्यान रखो लोग सोचते हैं मरने के बाद एक स्वर्ग मिलेगा अरे जिस जीवन में जो नहीं मिला मरने का पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा जब देखा ही नहीं उसको किसी ने तो कैसे कह सकते हो मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक हेवन है जहां हर प्रकार के या आराम है अरे जिसने देखा वो तो वैसे ही वापस नहीं आया ना है किसने देखा उस स्वर्ग को जो देखने गया ना वापस आया क्या स्वर्ग ऐसा होता है जिसने हेवन को देखा क्या वो वापस आके बता सकता है क्या तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है लोगों ने व्याख्या अपने हिसाब से बना रखी है दर्शन कहता है मुक्त होना है फ्री होना है तो इसी जीवन में होना है बहुत प्रैक्टिकल व्याख्या करता है पूरा दर्शन बहुत समझ का विषय बनता है बहुत ही सहज विषय बनता है इसमें ऐसी कोई भी जटिलता नहीं होती बहुत प्रैक्टिकल में चलता है। मैंने कहा, विषय जब शुरू किया तो मैंने कहा कि विषय में दो चीजें चल रही होंगी आपकी, क्या और कैसे जो हर विषय की मांग है जब हम इस विषय को पढ़ते हैं तो विषय आपका दो पार्ट में टूट जाता है ये।, ये पूरी की पूरी दर्शन परंपराएं जो है ना दो ही सवाल डिस्कस कर रहे हैं आपसे इवन यदि हमने पांच सात दर्शन का भी समावेश कर लेना तो दर्शन आपका दो भागों में टूट जाता है देखें जरा टॉपिक के पॉइंट सबसेट समझते हैं इसके टॉपिक तो समझ ही गए हो अब इसके अंदर वाले पार्ट समझते हैं जरा आप लोग क्लास को अच्छे समझना ये जो क्लास लेक्चर हैं सब लिखे हुए हैं ठीक ना पूरा ध्यान समझने पर लगाना है लिखने में बिल्कुल जोर नहीं लगाना है आपको लिपिक नहीं बनना है ठीक ना कि बस अच्छे लेखक बनकर चले गए अच्छे लेखक नहीं बनना है आपको दर्शन दर्शन का मीनिंग होता है समझना समझना है गणित के जैसा बस अपनी कॉपी पे थोड़ा बहुत राइट डाउन करते रहो इससे पता लगे कि हम समझ रहे हैं नहीं तो कहीं और विचारों में खोए हो ठीक ना ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हाथ में कलम बना बराबर बनी रहे आपके लिए फायदेमंद होगा ठीक ना हाँ आपने नहीं सीखा तो मेरे नुकसानदेह होगा इसका मतलब है कि मैंने ज्ञान अच्छे से ट्रांसफर नहीं किया ठीक ना देखें जरा यानी पूरी की पूरी दर्शन परंपरा जो है चाहे वो भारतीय दर्शन हो और चाहे वो पाश्चात्य दर्शन हो वह दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है क्या और कैसे ने बताया ना आपको कल ही बताया था आज ही बताया अभी ना विषय में क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है तो जो कैसे पार्ट है उसे कहा जाता है ज्ञान और जो क्या पार्ट है वो हो गया तत्व थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको जब इस ज्ञान पर विश्लेषण करोगे तो शब्द ना विश्लेषण का मतलब होता है मीमांसा तो जब कैसे पर विश्लेषण करोगे तो शब्द बन जाएगा ज्ञान मीमांसा क्लियर? जब इस तत्व पर विश्लेषण करोगे तो शब्द बन जाएगा तत्व मीमांसा तो आप कह सकते हो दर्शन शास्त्र को दो भागों में बांटा जा सकता है तत्व मीमांसा और ज्ञानी मांसा तो आपको बातों बातों में पता लग ही गया होगा कि फिलोसॉफी के जो तत्व हैं किसी ने कहा तत्व जो है यह भौतिकता है किसी ने कहा तत्व ये जो है ईश्वर है किसी ने कहा तत्व जो है वह आत्मा है तो फिलॉसफी जो है <coughs> वह तीन तत्वों पर बातचीत करती है ईश्वर आत्मा और भौतिकता है दूसरे शब्दों में कहते हैं तो जगत ये भौतिकता क्या ये सब जगत ही तो है ना संसारी तो है ना फिलोसोफी में शब्द इस्तेमाल करना है जगत संसार की ज्यादा अच्छा शब्द है दर्शन तत्व के नाम पर तीन तत्वों पर चर्चा कर रही होती ईश्वर आत्मा और जगत ध्यान रखो किसी को भी फिलोसफर बनना है ना तो उसे तीन तत्वों पर डिस्कशन करना पड़ेगा कोई भी टॉपिक हो आपका ठीक ना चाहे वो कांट हो चाहे वो डेकार्ट हो चाहे वो चारवाक हो और चाहे वो वेदांता हो दो ही बातें हर डिस्कस करेगी और ज्ञान जो जैसा तत्व बताएगा उसका वैसे ज्ञान भी होगा या जिसका जैसा ज्ञान होगा वैसे तो तत्व होगा दोनों दूसरे को पूरा की होते, टेक्निकली समझो तो।, तो यहां पर एक पॉइंट समझो कि भारतीय दर्शन की जब बात की जाती है और पाश्चात्य दर्शन की बात कही जाती है तो भारत दर्शन कहती है भाई पढ़ने आए कहते हैं भाई टीचर की बात मानो कुछ दिनों तक तो मानो कि दर्शन सरल होता है नहीं सर आज तो कुछ भी समझ में नहीं आया सर सर फटा सर फटा जा रहा अरे कुछ दिन तो मानो मानोगे ना तो जान जाओगे जैसे ईश्वर होते ना कहते मानो तो ईश्वर होता है ना अगर मानोगे प्रे करोगे तो जान जाओगे धीरे धीरे उसे अरे दिख नहीं रहा है आंखें बंद की पता नहीं क्या सब काला काला हो कभी नीला भी नजर आने लगा बड़ी समस्या है तो इंडियन फिलोसॉफी में क्या कहा जाता है मानो तत्व तो पहले तो इंडियन में तो पहले होता है फिर ज्ञान होता है देखो हम वही चीज मानेंगे जो जान लेंगे मानेंगे नहीं तो वेस्टर्न फिलोसॉफी में क्या होगा ज्ञान पहले होगा बेसिक डिफरेंस है यानी भारत दर्शन दर्शन में तत्व मीमांसा को प्राथमिकता दी जाती है तत्पश्चात ज्ञानी मानसा पर चर्चा की जाती है ठीक ना वहीं पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है ज्ञान की प्राथमिकता के आधार पर ही वह तत्व की स्वीकृति करते हैं तो सिलेबस बिल्कुल ऐसे ही टूट गया पूरा का पूरा दो पार्ट में इंडियन फिलोसफी ना एक पार्ट से आगे निकल गई इनसे साहब हमें तो जीवन की व्याख्या करनी है तो हमें आचरण की व्याख्या करनी पड़ेगी तो इंडियन फिलोसफी के पास इनसे एक शब्द ज्यादा है इनकी फिलोसफी से उसे कहा जाता है आचार मीमांसा जिसमें ये बात करते हैं मोक्ष की बेचारे वेस्टर्न को मोक्ष मिलेगा नहीं इंडियन के अनुसार ठीक ना तो एक शब्द आ जाता है मोक्ष क्लियर तो फिलोसोफी जो है तीन पार्ट में डिवाइड हो गई इंडियन फिलोसॉफी में मीमांसा ज्ञान मीमांसा और आचार्य अब आप फिलोसॉफी में कुछ भी नहीं जानते हो तब भी आप पूरे के पूरे सिलेबस को समझ सकते हो देखो जरा जो ऊपर के टॉपिक है ना टॉपिक एक से लेके ग्यारह तक वेस्टर्न टॉपिक है ना सबके सब अब ध्यान से देखना जरा आपको हर चीज पकड़ में आ जाएगी तो अगर ये टॉपिक वेस्टर्न के हैं ना देखो यार दूसरे टॉपिक से ज्यादा हो जाता है तो एक पहले क्या बात करेंगे? बातचीत की उन्होंने फिर कहीं तत्व पर शिफ्ट हुए दूसरा टॉपिक देखो इंद्रिया अनुभव बाद पहले ज्ञान पर बातचीत की होने ना इन्होंने फिर द्रव्य शिफ्ट किए ना पर 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 अगला टॉपिक देखो ये प्रागानवीन निर्णय की संभाव्यता पहले अपना ज्ञान बना रहे फिर कहीं जाके आगे बढ़ते बढ़ते परमात्मा पर पहुँची सौर ना हेगेल में भी देखो जरा द्वंदात्मक प्रणाली मेथड बना रहे ना नॉलेज बना रहे फिर होने का परम प्रत्यय फिर पहुंचे तत्व पर क्लियर तो ये बिल्कुल ऐसे ही काम करते रहेंगे यहां से फलॉसफी का थोड़ा टर्निंग पॉइंट होता है वेस्टर्न पढ़ाएंगे तब बातचीत करेंगे इधर जरा चार वाक मैंने शिफ्ट किया यहां से आगे चार वाक मैंने कहा चार की तरह है ना तो ज्ञान के सिद्धांत पर पहले बात की उन्होंने ना फिर तत्व बातचीत शुरू की इन्होंने क्लियर अब देखो जैन दर्शन तो पहले सत्ता पर बातचीत कर ली ना इन्होंने सत्ता का सिद्धांत फिर कहीं जाके सप्तंगी तो ने का सिद्धांत दिया बुद्धिज्म में देखो जरा पहले इनका तो अलग ही प्रकार से थॉट चलता है पढ़ेंगे तो जानेंगे वैसे समझ सकते हो ये पहले मैट ऑफ डिस्कस करेंगे फिर कहीं के समझा रहे हैं इनका तरीका अलग है बताने का मुद्दा का बहुत प्रैक्टिकल तरीका होता है न्याय में देखो जरा पदार्थ सिद्धांत एलिमेंट पहले आ गया ना फिर कहीं जाकर प्रमाण सिद्धांत आ रहा है घूम फिर कर देखो जरा सांख में देखो जरा तत्व पहले आया प्रकृति पुरुष फिर कारकार का नियम आया पूरी तरह से समझ सकते हो आप एक साथ ही योग का तो प्रैक्टिकल तरीका है मीमांसा मानसा प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन ज्ञान का सिद्धांत फिर कहीं वेदांत है ना ईश्वर आत्मा जीव जगत विद्या तो पूरी की पूरी फिलोसफी दो ही टॉपिक डिस्कस कर रही होती है तत्वीमांसा और ज्ञानी बड़ा आसान है समझना पेपर बना आपका ही यानी आपके पास दो ही सवाल बनने वाले एग्जाम में या तो तत्वीमांसा पर या ज्ञानीसा पर इंडियन फिलोसॉफी में एक पॉइंट बढ़ जाता है बस मोक्ष का इसलिए देखो जरा घूम फिर कर इनमें सवाल बन जाता मुक्ति ठीक ना मुक्ति मुक्ति केवल मोक्ष करो ना ये इंडियन फलॉसफी के पास ही विचारे वेस्टर्न के पास नहीं है तो कम से कम इनसे कुछ देर तो कुछ दूर तक तो हम आगे बढ़े ही थे फिलहाल तो ध्यान रखना है इंडियन फलॉसफ़ी जो है वह तत्वीमानसा और ज्ञानी मानसा इन दोनों पर परचर्चा करती है और वेस्टर्न फलॉसफी भी परचर्चा करती है लेकिन वेस्टर्न फलॉसॉफी की परिचर्चा का जो उद्देश्य है वो खंडनात्मक होता है वो खंडन विश्वास करते हैं क्यों करते खंडन विश्वास कि विचारों के पास या तो अनुभव या बुद्धि अगर अनुभव का प्रयोग करेंगे ना तो इसका अपना अनुभव आज की क्लास के लिए इसका अपना अनुभव इसका अपना अनुभव इसका अपना अनुभव क्लास के बाद पूछा कि अपने अनुभव लिखो तो सबके अलग अलग अनुभव होंगे ना मैंने कहा बुद्धि के समझाओ तो अपने अपनी बुद्धि समझाओगे ना चीजों को यानी हर इंसान का अनुभव अलग हर इंसान की बुद्धि की व्याख्या अलग तो जैसे ही कोई एक अपना अनुभव रखेगा तो दूसरा क्या करेगा साहब मजा नहीं आया आपकी बात में तीसरा आया चले तो भाई बात में तुम्हारे में मजा नहीं आया हमें तो पहले में तो मजा आया ही नहीं था दूसरे में तो और भी नहीं आया चौथा आया थर्ड को रिफ्यूट किया तो वेस्टर्न फिलोसफी ऐसे चल रही होती है ऊर्द्वाधार वर्टिकल, ना? इस टेंडेंसी को कहते हैं खंडनात्मक टेंडेंसी इनकी प्रति खंडनात्मक है। इंडिया में क्या होता है हम लोग सब लोग साथ साथ चलेंगे सब लड़ेंगे क्योंकि हमारे घर का मामला है ठीक ना ऐसे है इंडियन फिलोसफी इंडियन फिलोसॉफी हॉरिजेंटल फॉलोसोफी आज भी जैनिज्म है बुद्धिज्म है हिंदू धर्म है सब ब्रांचेस अभी भी शंकराचार्य अपना स्टेटमेंट देव को नहीं मान लेकिन सिर्डी के साई वाले मानते मानेंगे भाई सब चलते रहते हैं यहाँ तो कोई अंतर पड़ता ही नहीं है बड़ी खासियत है इंडिया की है मोहम्मद इकबाल साहब कहते नहीं यूनान रोमा मिट गए जहां से क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी कुछ तो खासियत है ना उस खासियत को समझना है उस खूबसूरती को समझना है यही भारत की खूबसूरती है यहां कोई अकेला दावा नहीं कर सकता है यही एकमात्र विचार है और जो ये दावे करते हैं ना वो भारत को जान ही नहीं रहे आजकल जितनी भी समस्याएं हैं ना उनके एकमात्र दावे की वजह से है भूल जाते हैं भारतीय दर्शन परंपरा वैचारिक परंपरा में कभी था ही नहीं बड़ी ही बेवकूफी का उनका स्टेटमेंट होता है यही एकमात्र उन्होंने जाना ही नहीं जैसे कोई फुटबॉल ही खेलता हो मैंने कल भी समझा फुटबॉल का खेल ही खेल होता है तो खेल शब्द को ही नहीं जानता है कोई कहे कि एकमात्र धर्म मेरा ही धर्म है तो धर्म को ही नहीं जानता है, अरे, खेल का मतलब है कि उस खेल शब्द में सभी खेलों का समावेश हो जाए धर्म का मतलब है कि वह सभी धर्मों को मिला ले सबका समन्वय कर सकता हो तो भारतीय दर्शन परंपरा की कि भारतीय संस्कृति की बड़ी खासियत यही होती है कि सब परंपराएं क्षैतिज चल रही हैं हॉरिजेंटल चल रही होती हैं सब बड़ी खूबसूरती है तभी तो कहा जाता है कि नेताओं से इन तथाकथित बुद्धिजीवियों से बचना है जो एक मात्र होने का दावा करते हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय वैचारिक परंपरा को कहीं भी किसी भी स्तर पर नहीं समझे हैं इतिहास पढ़ोगे ना आपको प्रत्येक समय में प्रत्येक काल में हर विचारधारा सजीव मिलेगी और अभी तक चल रही है एकमात्र दावे दिन का सिद्ध हो चुका होता ना तो भारत में एकमात्र ही विचारधारा होती लेकिन एकमात्र विचारधारा कहीं नहीं है यह इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरत है सिंथेसिस फॉर्म में वेदता एक में एकता जो है यह भारत की पहचान है अगर वेदता खत्म हो गई ना तो भारतीय संस्कृति अपने आप ही प्राय हो जाएगी, अच्छी बात कही जाती है, सोच के देखो जरा दुनिया में एक ही रंग हो तो दुनिया बड़ी नीरस हो, बोर्ड भी सफेद कपड़े भी सफेद हम सब सफेद सोच के देखो क्या होगा उस दिन पूरी खूबसूरती खत्म हो जाएगी जब तक वेदता नहीं होगी ना तब तक खूबसूरती रहेगी नहीं तो भारत दर्शन सही विचारों में एक विकास लेकर चलता है या आपस में चलते रहते तो नहीं, भारत खंडन नहीं करते साहब अरे खंडन तो करते हैं ये भी लेकिन खंडन का एक उद्देश्य है वो कहते हैं साहब अगर हम आपकी बात मानेंगे तो जीवन की परिभाषा नहीं दे पाएंगे तो इनका झगड़ा इस बात पर है कि हम जीवन को परिभाषित नहीं कर पाएंगे ठीक ना तो अपने खंडन का एक उद्देश्य है यानी भारतीय पद्धति में खंडन जो है वो खंडन के लिए नहीं होता है खंडन का उद्देश्य है मंडन रिफ्यूटेशन नॉट फॉर रिफ्यूटेशन रिफ्यूटेशन इज फॉर दैट परपजी टू लाइफ अपनी पूर्ति भारत दर्शन परंपरा में खंडनात्मक प्रवृत्ति मिलती तो है लेकिन वह जीवन से पृथक नहीं होती है तो हमें इस पक्ष को ध्यान रखना है पूरा का पूरा भारत दर्शन इस जीवन की ही व्याख्या करेगा तो आज के लेक्चर का मूलभूत तत्व तो सिर्फ इतना ही रखा मैंने ज्ञान भारतीय दर्शन का केंद्र बिंदु है तो आपको जो भी सोचना है इस ज्ञान के इर्द गिर्द सोचना है कोई भी अन्यथा व्याख्या नहीं करनी है दर्शन की कल हम लोग कल से टॉपिक पर आना शुरू करेंगे जिससे कि आप इन चीज़ों को अच्छे समझ सकते हैं ठीक ना कैसे तो कल का टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है जो कहता है खाओ पियो मस्त रहो ठीक ना ई ड्रिंक एंड बी मैरी ठीक ना दुनिया से हमने लिया क्या दुनिया को हमने दिया क्या दुनिया की परवाह करें क्यों अरे जो कुछ है यही है कुछ नहीं होने वाला है तो आज की प्रक्रिया हम यहीं पर आज की बातचीत जो है यहीं पर रखते हैं फिर हम अपना लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज आपका पहला दिन है और दर्शन को बड़ी सरजता में लेना सहजता में लेना फिर हम लोग कल मिलते हैं ओके धन्यवाद थैंक यू